गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरी एक नई वीडियो में। तो यार, आज मैं जा रहा था सियोल इमिग्रेशन। तो सियोल इमिग्रेशन जाते हुए मेरे को बस चेंज करनी थी, तो बीच में एक बड़ा फिश मार्केट, सी फूड मार्केट, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ कि कोरिया में जो है वो सी फूड मार्केट किस तरह की होती है। ये देखो, अंदर से झाग निकाल रहा है और हर तरह की यार यहाँ पे फिश मिलती है, शार्क मिलती है। और सी फूड भी यार बॉडी के लिए बड़ा ज्यादा हेल्दी होता है। ये सारे शंख हैं। रेट इन्होंने तो नहीं लिखे हुए प्राइसेस, मगर देखा जाए तो ये देखो यार, ये किस तरह की फिश है। ये दो तीन तरह की फिशों को इन्होंने ऐड करके एक पैकेट बनाया हुआ है। काफी बड़ी मार्केट है यार ये सी फूड की। ये है स्टारफिश, कैसे इसको कवर करके रखा हुआ है, पूरी नीचे बर्फ लगाई हुई है ताकि पूरी जो फिश है वो फ्रेश रहे। बाकी सबसे अच्छी बात ये है यार, साफ सुथरा, बहुत साफ सुथरा। ये देखो अभी जिंदे हैं, इस एशिया की दुनिया में भाई ये लोग सब चीजें खाते हैं। ये इनके अचार हैं, ये फिश के अचार डाले जाते हैं बस, जैसे हम उधर अमली के अचार डालते हैं, नींबू के अचार डालते हैं, तो ये इन चीज़ों के अचार डालते हैं, मगर डालते जरूर हैं। अरे अंदर तो बहुत बड़ी मार्केट है यार। ये इधर ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो भी इस तरह की मार्केटें हैं इधर कोरिया में, सी फूड भी है। देखो ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, बस किसी तरह ना बाहर आ जाए और कटने से बच जाए, बट नहीं भी। अगर आप कोरिया में हो तो ये नहीं हो सकता। मैंने जाना है यार सियोल की इमिग्रेशन में अपने वीज़े को एक्सटेंड कराने के लिए। अभी वहाँ पे लंच टाइम चल रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 1 से 2 बजे तक लंच टाइम होता है, तो इसलिए फिर मैं भी इधर रुक गया, क्योंकि अब यहाँ से जहाँ मुझे जाना है वो सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 5 किलोमीटर। तो बस यार अब यहाँ से चलते हैं बाहर, कुछ ऐसी होती है फिर सी फूड मार्केट सियोल में। और देखते हैं यार आज वीज़े का क्या अपडेट अपने को मिलता है, क्योंकि जो यांगजू में मैं गया था ना, यांगजू में उन्होंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे यार इतना टब्बर आया हुआ था अभी रिफ्यूजी का कि रिफ्यूजी ले दो, रिफ्यूजी दे दो। दुनिया भर के रिफ्यूजी लोग आए हुए थे और उनके पास रिफ्यूजियों का इतना क्राउड था, तो मैंने उनको अपनी रिक्वेस्ट बोली कि मैं कबीर मेरे को वीज़ा एक्सटेंड कराना है और मुझे न्यू ईयर इधर मनाना है, क्रिसमस इधर मनाना है, तो आप मुझे वीज़ा दो। तो वो कहते नहीं, हम यहाँ से नहीं देंगे।
यू ट्राई सम अदर ऑप्शंस। तो उसने ये बोला, तो मैं समझ तो गया था अदर ऑप्शन का मतलब यही है कि आप सियोल जाके अप्लाई करो। और जो यहाँ पे एक दो बंदे मुझे मिले हैं जो कॉमन एंड है, मैंने उनसे भी बात करी थी, तो उन्होंने भी मुझे फिर यही बोला कि सियोल में जो है वीज़े के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे ठीक है जी, नो प्रॉब्लम है, सियोल अपना अब रोज का ही आना जाना है भाई, तो अपन सियोल चले जाएंगे वीज़े अप्लाई करने। तो देखते हैं बस आगे जाके। ये सामने है वर्ल्ड सियोल वर्ल्ड कप स्टेडियम, ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम है सामने। और जो अपनी बस जानी है वो जानी है 571। ये फूड ट्रक जोन आ गया इसके अंदर, काफ़ी बड़ा मॉल है यहाँ पे। यार देखो हर चीज़ की कितनी ज़बरदस्त पार्किंग दी जाती है, बहुत बड़ी भी पार्किंग दी हुई है। उसके बाद वहाँ जाके है फूड जोन। बाकी आज सुबह से ठंड हो रही है काफ़ी ज़्यादा, और सुबह बारिश भी हो रही थी, तो धीरे धीरे ठंड है, बस ठंड इंक्रीज़ हो ही जा रही है और मौसम और चिल्ड फ्रीज़ हो रहा है। जब मैं सुबह बाहर वॉक के लिए जाता हूँ तो सारी सारी फॉग जो होती है, स्मोक, वो नीचे आया होता है और बादल ही बादल हुए होते हैं आसपास। तो देखते हैं फिर आगे जाके इमिग्रेशन पहुँचते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या अपडेट मिलता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपर है यांगजू इमिग्रेशन। तो टोटल कितनी इमिग्रेशन है, 2, 4, 6, 7 इमिग्रेशन पड़ती है पूरे कोरिया में, ठीक है जी। साउथ कोरिया में टोटल 7 इमिग्रेशन पड़ती हैं। ये सारे एड्रेस हैं, आप वीडियो को रोक के देख लेना। उसके बाद मैं जो आया हूँ, मैं आया हूँ सियोल वाली इमिग्रेशन में। अब इन्होंने क्या मुझे बोला कि आपको रिज़र्वेशन लेना पड़ेगा। रिज़र्वेशन मैं, मेरे को पहले लग रहा था कि होटल की बुकिंग लेनी पड़ेगी, तो मैं कहा ठीक है फिर, नो प्रॉब्लम, मैं